6 दिनों में 2 जगह रायशुमारी और 11,000 लोगों से संवाद के साथ बीजेपी ने प्रत्याशी चयन की कवायद शुरू की थी। 14 अक्टूबर से औपचारिक रूप से शुरू हुई कवायद का नतीजा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का धैर्य जवाब देता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर ब्यावर से आए कार्यकर्ताओं ने मौजूदा विधायक शंकर सिंह रावत का विरोध किया। लोगों ने कहा कि रावत के अलावा किसी को भी टिकट दे दिया जाए वो पार्टी को जिता कर लाएंगे। हम शंकर सिंह जी वर्तमान विधायक महोदय जी हैं, उनके 10 साल में गतिविधियां ठीक नहीं रही थी, कार्यकर्ताओं का उन्होंने कोई काम नहीं किया था, खुद का विकास किया था, इसलिए हम भ्रष्टाचार फैलाया था और परिवर्तन टिकट के बारे में भी ब्यावर में किसी भी अंतिम पंक्ति कार्यकर्ता को टिकट मिल जाए लेकिन शंकर सिंह को नहीं मिले। इस बात में मैं सिर्फ ब्यावर में सर किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, सिर्फ हम बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं ब्यावर में सर, बस। और हमें हमारे को और कोई मांग नहीं है, हम किसी के कहने से नहीं है, हम सभी कार्यकर्ता है, किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे जाए, सिर्फ हम परिवर्तन चाहते हैं ब्यावर शहर से सर। ब्यावर से आए कार्यकर्ताओं ने ज्यादा हल्ला किया तो बीजेपी की विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक गजेंद्र सिंह शेखावत खुद बाहर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सुनने के साथ ही नसीहत भी दे डाली। कार्यकर्ताओं की तरफ से बार बार तर्क दोहराने पर शेखावत ने साफ कह दिया कि पार्टी को चौराहे पर खड़ा करने की कोशिश मत करो, वरना पार्टी पहले से एक सीट हारी मानकर दूसरी सीटों पर ध्यान देगी। आकांक्षा के अतिरेक में इस तरह के जो है एक दूसरे के प्रति इस तरह की बात करना भी बेहद स्वाभाविक है। कार्यकर्ता महत्वाकांक्षी होकर के इस तरह की बात करता है और ऐसा करना कोई गलत भी नहीं है। हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अंततः जो पार्टी निर्णय करेगी, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल को प्रत्याशी मानते हुए उसके साथ में काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्यावर में सिर्फ शंकर सिंह रावत के विरोध में ही कार्यकर्ता आए थे, बल्कि उनके समर्थन में भी पहुंचे पार्षदों ने तो रावत के विरोधियों को ही बाहरी करार दे दिया। इस पर शेखावत ने उन्हें भी ये कहकर शांत करवा दिया कि पार्षद और दूसरे पदाधिकारी पहले ही रायशुमारी के दौरान अपना पक्ष रख चुके हैं। अरे आए थे कि नहीं आए थे, जवाब वहाँ बात करी थी अपनी, हमने ना तो दोबारा कहने की जरूरत भी आए थे, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, इसकी 2 मिनट सुनिए, 1 मिनट हमारी सुन लीजिए, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, दोबारा कहने की जरूरत नहीं, जो पार्टी में एक बार बात कह दी वो सुन ली बस, अभी भी सुन रहे ना, बस हो गया। ये लोग भी बार बार आ रहे हैं, लोग भ्रमित कर रहे हैं, ये बार बार, अरे भैया सुन लिया तुम्हारी बात, बात हो गई। बीजेपी में प्रत्याशी चयन के अंतिम दौर में शुरू हुए विरोध के बाद पार्टी नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गजेंद्र सिंह ने ब्यावर के कार्यकर्ताओं को साफ कह दिया है, अगर उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो वो ब्यावर के सभी 18 दावेदारों से व्यक्तिगत रूप से रूबरू होकर इस बारे में बात करेंगे। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि कार्यकर्ताओं को पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला मानना ही होगा। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।